शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Dad, the roads are really bad. तड़का लाल, सब तैयारी हो गई है ना? अरे तड़का लाल के होते हुए कोई चीज की कमी हुई है? चाचा ठाकुर, वो लोग आ गए। पर तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? जा जाकर देख मुस्कान तैयार हुई है नहीं। ये लोग बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। जरा तमीज से पेश आना। Don't you worry, Dad. I'll handle it. हाँ, सॉल इसलिए तो कैंसल हो चुके हैं। तो कुछ न कुछ तो अनुभव हो ही गया होगा ना? अरे ठाकुर साहब, नमस्ते जी, नमस्ते। आपने तो अच्छी खासी दुनिया बसा के रखी है। बस हमने थोड़ी बहुत मेहनत की है, बाकी तो सब ऊपर वाले का काम। ठाकुर साहब, ये मेरा बेटा बलविंदर है। बिल्लो बिल्लू। ये थोड़ा है। थोड़ा नहीं, काफी है। जी जी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे ठाकुर साहब, जिस गांव में लोगों की जबान पर आपका नाम हो, वहां तकलीफ कैसी? But Dad, the roads are really bad. Roads are bad, but people are good. इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप कुछ लेंगे? Why not? ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए? बिल्कुल जानते हैं। उजाला, मुस्कान को ले आओ। Dad, let's go back. भूतनी, भूतनी डैड, भूतनी। सीधे सीधे बैठो।
human. It's happening, Dad. It's happening. She's beautiful. Yes, yes. ठाकुर साहब, हमारे बेटे को आपकी मुस्कान पसंद है। आपका क्या ख्याल है? हम भी जरा मुस्कान से पूछ लें। मुस्कान, देवानंद कैसा लगा? मेरी पसंद और नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता ना। पहले इन लोगों को विशाल भैया से तो मिलने दो। अरे अरे, विशाल आ गया तो बात पक्की हो गई। लो, आ गया विशाल। विशाल, ये मुस्कान के रिश्ते के लिए आए हैं। ओ हाय, खुदा खैर करे। कूल, रिलैक्स मैन। माय नेम इज बलविंदर, प्यार से मुझे बिल्लू कहते हैं। ए बिल्लू, ज्यादा ना हिल्लू, हिल रहा है। क्या है? तुम लोग ज्यादा बात मत बिगाड़ो। क्या हुआ? मुस्कान के जाने में ही मेरा इस घर में आना है। चाचू, क्या मैं अपने होने वाले जीजा को अपना स्टेट दिखा दूं? नहीं 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 विशाल। I would like to see my सुसुरा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, जाने भी दोनों इन दोनों को। ये जाएंगे दो, आएगा एक। चलो। Oh, let's go. We are the world. बज गया बैंड। बैंड? बैंड बाजा की आप फिक्र मत कीजिए, वो तो शादी में बजेगा ही। मुझे तो डर है कहीं अभी ना बजे। ठाकुर साहब, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Ouch, that's not funny. अभी तक तो मेरा बिल्लू और आपका विशाल एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए होंगे। अरे ठाकुर साहब, आप मेरे बिल्लू को जानते नहीं है, वो बोलने में इतना माहिर है कि विशाल तो उसका फैन हो जाएगा, फैन। ठाकुर साहब, वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है शादी के बाद वहीं से पक्की करके आएंगे। छोड़ा मुझे नीचे क्यों छोड़ा? देखा ठाकुर साहब, वो लोग आ गए, लेकिन मेरा बिल्लू नजर नहीं आ रहा। जी, मैंने कहा था ना कि जाएंगे दो और आएगा एक। अरे बेटा बिल्लू, व्हाट अ राइड, व्हाट अ राइड, डैड दिस साला इज वेरी बैड। नो नो नो, चलो चलो। डैड, इसने एस्टेट पूरी अच्छी तरह दिखा दिया, ऊपर से नीचे से, झाड़ के अंदर, झाड़ के ऊपर, हर एंगल से दिखा दिया। लेट्स गो बैक डैड, लेट्स गो बैक। अरे अरे अरे, ये तो बुरी तरह से छिल गया। अरे अरे, आपको मेरा बेटा पसंद नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देते। जी, मुझे भी नहीं मालूम था कि नक्शा इस कदर बिगड़ जाएगा। चलो बलविंदर बेटे, चलो। डोंट बी फनी बिल्लू। लड़का तो सैंपल था ही, मैंने देखते ही समझ लिया था कि ये ना तेरी पसंद है ना मेरी पसंद, पर इतनी ज्यादा क्यों की उसके साथ? हाँ, कोई टांग वांग टूट जाती बेचारे की। सॉरी चाचू। सॉरी चाचा, चल। जाओ जाओ, फुटा दिया ना उसे। अरे ये क्या, झिक 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 झिक। ओके डार्लिंग, एंजॉय एंजॉय। देख उजाला, भैया के लिए हमें ये राखी पसंद आई, तुझे कैसी लगी? ठीक है, मुझे क्या लेना है, राखी तो तुझे बांधनी है ना। इतना मत इतरा, क्या पता एक दिन तुझे ही राखी बांधनी पड़े। ऐसा नहीं बोलते। तेरे प्यार की भी दांत तेरी पड़ेगी, भैया तुझे घास तक नहीं डालते और तू जो है वो उनके सपने ही देखती रहती है। सपने तो हम भी देखते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि लोग आंख बंद करके देखते हैं और हम आंख खोल के देखते हैं, और सिर्फ तुम्हारे देखते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे एक बात बता, तेरा भैया कब तक भगाता रहेगा रिश्तों को? उसे तेरी शादी वादी करनी है कि नहीं करनी है? हाँ? क्या करे, कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। अरे
हम है ना। सुन, अपने भैया को बोल कि तूने लड़का पसंद कर लिया है। अपने भैया को कह कि तेरा रिश्ता लेके मेरे घर पे आ, तो बात बन सकती है। आप खुद क्यों नहीं कह देते? अरे हम तो कह देते, लेकिन तेरा भैया जो है जैसे हमारे सामने आता है परेशान हो जाता है, घबराता है, डरता है, पत्ते की तरह कांपता है। अच्छा बोल दिया? हाँ बोल दिया। बच्ची तुम घर जाओ, भैया क्या मैं भी घर जाऊं? रुको, ठीक है। अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी की ना तो अगली बार सर अंदर और पैर बाहर होगा। पत्ती बुझा गया ये तो। भैया, भैया। बच्ची मैं यहां हूं। आप यहां बैठे हैं और हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं? अब जो हो गया सो हो गया भैया, हमारा उनसे क्या लेना देना? तेरा मेरा तो लेना देना है ना बच्ची। कोई तुझसे बदतमीजी से पेश आए ये मुझसे सहन नहीं होगा। अब बातें छोड़ो और खाना खा लो, चलो। खाना तुमने बनाया? अच्छा है। भैया, भैया उठिए, भैया उठिए ना। सोने दो बच्ची। भैया प्लीज उठिए। क्यों? क्योंकि आज हमारा दिन है और जो हम कहेंगे वही होगा। चलिए उठिए। अरे हाँ, आज तो राखी है ना। आप भूल गए थे क्या? कैसे भूल सकता हूँ, इसी दिन के लिए तो जीता हूँ। हाँ दीजिए। भगवान तुझे सारी खुशियां दे। इस साल भैया दुआओं से काम नहीं चलने वाला। इस साल हम आपसे एक स्पेशल चीज मांगने वाले हैं। क्या? भैया हम मुंबई जाना चाहते हैं। मुंबई क्यों? क्योंकि भैया हम जमाने के साथ चलना चाहते हैं। हम हायर स्टडीज के लिए शहर जाना चाहते हैं। विशाल बेटे, मुस्कान को बच्ची की तरह रखना, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना। बेटे इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे सिवा इसका कोई नहीं है। ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू, यू ग्रेट, यू ग्रेट। साथी है फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम
ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ए मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना आ, आ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सना। परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिल रुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिल रुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे चाहता हूँ तुझे दिल मेरा कह रहा सारे पास ले मिटाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। What's the problem, man? I'm so sorry. I'm really sorry. Hey, दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई तो देता है जाने मन, तभी तो तुम जैसे हैंडसम से टकराई हो। चले भैया। Hi, baby. भैया please, please. मुस्कान, तुम इस जंगल में पढ़ना चाहती हो? भैया ये जंगल नहीं, इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है। हाँ मैं देख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ इंसान कम और जानवर ज्यादा हैं। ये देखो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस आ गया। स्माइल प्लीज। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुस्कान ठाकुर। हाँ चाचा ठाकुर की भतीजी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू बेटी। ये लो तुम्हारा फॉर्म, इसे भर दो। थैंक यू सर। आपकी तारीफ। ये मेरे बड़े भैया हैं। ओहो बड़े भैया। बड़े भैया वहाँ क्यों खड़े हैं? कंधे पे बोझ उठाए, बोझ हल्का कर दीजिए और तशरीफ रखिए। हमारी कॉलेज में कंधे पर नहीं बल्कि दिमाग पे बोझ दिया जाता है। दिमाग दिमाग तो बेच कर आते हैं इस कॉलेज में विद्यार्थी, और आप दिमाग पर जोर देने की बात करते हैं। क्या इस शहर की कपड़ों की मिलें बंद हो गई हैं? जो इन लड़कियों ने बदन पे कपड़े पहनना बंद कर दिए, क्या आपको दिखाई नहीं देता? देता है ना, दिखाई देता है। आइए ना, बैठिए ना, तशरीफ रखिए ना। जेवर तो लड़कियों का गहना है और यहाँ लड़के पहन के घूमते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता? देता है, दिखाई देता है, देता है। सिगरेट तो ऐसे फूंकते हैं जैसे कि ये कॉलेज नहीं सिगरेट की फैक्ट्री हो, क्या आपको ये भी दिखाई नहीं देता? अरे यार देता है। फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करता, ये तो आजकल का कल्चर है बड़े भैया। कल्चर? ये आपका कल्चर आज तक तो ठीक था, कल से नहीं चलेगा। बच्ची यहाँ पढ़ने आ रही है।
अच्छा, ओ बाप का नाम विशाल ठाकुर, माँ का नाम भी विशाल ठाकुर। विशाल हमारे बड़े भैया का नाम है। बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए थे, इन्होंने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया है। हमारी खुशियों के लिए इन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान की हैं, इसलिए हमारे बड़े भैया ही हमारे लिए सब कुछ है। समझे? चलो एक मिनट, तुम दोनों के जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। तुम दोनों का प्यार देखकर आज मुझे मेरी बहरी याद आ गई। तुम्हारी तरह मैं भी उसे बहुत प्यार किया करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं लोगों को डराया करता था, कि मेरा मतलब है समझाया करता था। एक दिन उसे किसी और से प्यार हो गया और उसके साथ वो शादी कर गए, भाग गई। बोल दिया। थैंक यू सर, कम ऑन। मैं कुछ गलत बोल गया? आपको उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जानते हैं वो इस कॉलेज के सबसे बड़े इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल? क्या तुम्हारा ये प्रिंसिपल भाई से बड़ा होता है? नहीं भैया, मेरे भैया से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। बच्ची, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे खत लिखने की या टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं, बस याद कर लेना, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है? ओके। अबे रुक सही है, मैं तेरे को बताता हूँ, साली कहाँ भाग रही है। बचाओ, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक, बचाओ, रुक। सूरज, सूरज मुझे बचाओ ना सूरज। अबे बिल्डर क्यों मारा इस बिचारी को? अरे यार सूरज, इसने मेरे को अंडा मारी, इसने इसको अंडा मारी। चलो तुम आ गया, आ गया। तुम जैसे लोगों को आगे या तो साइड में रखना चाहिए। अब बताओ तुमने इसको अंडा क्यों मारी? मैं मार थोड़ी रहा था, मैं तो इसकी रैगिंग कर रहा था। ओ, मैं तो इसकी रैगिंग कर रहा था। अबे रैगिंग दूसरों के साथ की जाती है, ना कि अपनों के साथ। और ये हमारा कॉलेज में लास्ट और फाइनल ईयर है, समझी? अगर हम पास होंगे क्या हुआ सूरज? कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो नहीं हुआ। मेरी तरफ देख, देख ले मेरी तरफ। हाय! पोपट! अरे इसने तो तुझे घास भी नहीं डाली, खा गया ना बेइज्जती का तमाचा। घास डालने की बात कर रहे हैं, अगर दो मिनट के अंदर अंदर उसको मेरे पीछे नहीं भगाया तो मेरा भी नाम सूरज नहीं। अबे चले चल, लगाता है शर्त? लगा ले, लगा ले। 500, 50,000, 1,000, डन डन, ऑल द वर्स्ट टू यू टू, टू यू टू। चल 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 ओए मां, चलो। सेकेंड बाकी है और सूरज का कोई पता नहीं है। अबे बटलू, घड़ी क्या देखता है? आगे देख, आगे।
देखा सूरज का कमाल। कई पैसे मोनी 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 देना पड़ेगा। अरे नीचे यस लेट्स गो बाय बाय बिल्डर। अरे हट साले। सुनिए ओ लाइब्रेरी में क्यों लाए? क्या बात है सूरज? क्या बात है? वो जो भी मेरे बारे में सोचती होगी ना, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। किसके बारे में? अरे उसके बारे में। अरे उसके किसके? बैग वाली के बारे में। कौन बैग वाली? अरे वही जिसके मैं आगे आगे भाग रहा था। अच्छा, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि वो तेरे पीछे भाग रही थी। एक ही बात है, एक ही बात है। तू मुझे बैग समझाना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी तरफ देखी है तो मैं तुझे समझाऊंगा ना। देख, एक ऐसी बैग पड़ा था, ठीक है? मैंने बैग को यूं उठाया और यूं। हेलो। हाय। जी, मैं इसे यही समझा रहा था कि ये बैग। मैं आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। जी। Can I have my bag, please? Thank you. Thank you. कोई बात नहीं। Thank you. ये वो आगे आ गई। Hi. Hi. मेरा नाम ऋतु है। मुस्कान। कॉलेज में नहीं हो? कैसा लगा हमारा कॉलेज? ठीक है। और यहाँ के लोग? काफी दिलचस्प। फ्रेंड्स? 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 हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? ओके। पैसे नहीं मिले क्या? मिले मिले। फिर ऐसा क्यों खेल रहा है? क्या कुछ सोच भाई, आदत से मजबूर हूँ। अच्छा खिलाड़ी हूँ ना, कभी पैसे को ले खेला नहीं, गलती हो गई। आज खेल रहा है ना? अच्छा खेल और जल्दी आओ। जी। ओके। हमारी टीम हार रही है और सूरज उस बैट्समैन से हंस के बातें कर रहा है। टीम स्पिरिट यार, टीम स्पिरिट, तुम नहीं समझोगी। क्यों कर रहे हैं? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट, यस, यस, यस। आउट, नॉट आउट, नॉट। अरे ये था ना मेरा है। अच्छा जाओ, आउट, आउट। चौका मेरे बदन को हिला रहा है, डुला रहा है, झुला रहा है, झुला रहा है। एम्पायर, ए हिलना डुलना बंद करो। अरे प्लेयर हिलना डुलना बंद करेगा तो फिर फील्डिंग कैसे करेगा? प्रिंसिपल यू आर जानी, इसके हिलने डुलने में खोट है। ये जानबूझ के मेरे प्लेयर को डिस्टर्ब कर रहा है। मैच नहीं होगा। कमाल है, मैच क्यों नहीं होगा? मैच होगा। नहीं होगा। होगा नहीं होगा? ए अबे होगा। ए ए ए होगा। और ऑफ फील्ड
All players are sportsmen, and the game should be played in the true spirit. No cheating. इधर हूँ सर। ए, तू हिला डुला बनकर। ए, बैट्समैन, तेरे घर में बाप भाई नहीं क्या? तू देखना बनकर। आप लोग चलो सर। हाँ, चलो, चलो। देखा? क्या? अपने कप्तान का कमाल। हमारी तरफ नहीं देख रहा। लगता है ये भी अपनी टीम का कोई प्लान होगा। दीजिए ना। अच्छा, जा बॉल डाल। अबे डाल चिपकूट। लेकिन आज बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? अरे ये सब तो हमारे कप्तान का कमाल है। ए, तुझे पैसे नहीं मिले क्या? मैं भी कौन नहीं हूँ। लास्ट मैन, लास्ट विकेट, लास्ट रन। अब तो लगता है कि हार गए हम। लगता है ये बैट्समैन के साथ अपनी कोई सेटिंग नहीं हुई यार। क्या? मेरा मतलब है ये बैट्समैन बहुत सेट होकर आया है। ओ, हाँ, सेट होकर आया है। टीम को कितने पैसों में खरीदा? क्या बोल गई? बोली कि बहुत अच्छा खेले हम लोग। बेटे, जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो ना, उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ मैं। I'm sorry, I'm not free. मुस्कान, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। How sad. अभी बताता हूँ। क्या कर रहे हो? Stop it! सब लोग देख रहे हैं। Stop it! क्या है? अच्छा हुआ कि आपने अपने बारे में हमें सब कुछ बता दिया। वो क्या है ना कि हम भी आप ही की तरह घर पे ऐसी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं, लेकिन दिल के सच्चे हैं। इसका मतलब आपने गुस्सा थोप दिया? हम गुस्सा कब थे? गुड मॉर्निंग सूरज सर। लाइए, ये लीजिए। ये क्या है सूरज? मुआवजा। मुआवजा?
मेरे डैडी मेरे लिए हर महीने की पहली तारीख पर थैंक यू सर ढेर सारा प्यार भेजते हैं। मुस्कान, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं चलूं। ओके। मैंने कहा था ना ढेर सारा प्यार यही है। कहाँ जा सकता है? हर कैबिनेट हर दराज की तलाशी लो। मेरा 25 लाख का हार इस तरह नहीं गुम हो सकता। आज तक तूने मुझे कभी बेटे का वादा नहीं दिया और आज चोर का वादा दे दिया। सूरज, अगर तेरे कमरे की तलाशी हो रही है बेटा तो उसमें घबराने की क्या बात है? नहीं नहीं, मुझे घबराहट नहीं हो रही, मुझे दुख हो रहा है। ये सब मेरा ही तो है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। गलत डार्लिंग, इस जायदाद में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ और उस रिश्ते से तुम्हारी माँ। मालकिन, इस कमरे में तो नेकलेस नहीं मिला। कोई बात नहीं, उधर देखो। जी डैडी, मेरे रूम की तलाशी तो ले ली आपने, अब जरा नौकरों से कह के इनके भी रूम की तलाशी ले लें। देखा आपका ये बेटा मुझे चोर समझता है। नहीं, आप ही बताइए भला मैं अपना हार। नहीं नहीं, ये किस्सा सिर्फ हार का नहीं है बल्कि हार और जीत का है। तू कहना क्या चाहता है सूरज? डैडी, मैं पहली बार आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरी मां नहीं, ये मेरी सौतेली मां है। सूरज! डैडी, जिंदगी में आपकी यही कमजोरी रही है कि आपने हर काम को अधूरे में रोका है। इस घर की खुशी और शांति के लिए मेरे से चले जाना ही अच्छा है। पर कहां जाओगे तुम? पहले रोका तो होता, आपने सीधे जाने वाली जगह का पता पूछ लिया। पर सुन, रिलैक्स। मेरे लिए इस बैग की कोई अहमियत ही नहीं जिसके लिए मैं इसके पीछे भागूं। और हमारी फ्रेंड्स, बंदी पर तो आती है, आती नहीं आता। अभी हार क्या तो रोता है, चले दरा चल बे बटले। नेक्स्ट सूरज, तुम भी नहीं खेलते? ये सब बेवकूफी की, मैं नहीं खेलता। लो सुनो, चलो हम खेलते हैं। चलो वो
One, two, three. क्या मैंने तुमने तो क्या बोलो बोलो क्या क्या मैंने ओ बोलो मोटे खा खा के फट जाएगा तू एक दिन अरे तुम लोग जानते हो कि हमारी कॉलेज के एनुअल फंक्शन के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं पता है कैसे हम लोग ही तो ला रहे उन्हें तुम लोग मेरा मतलब है सूरज सूरज तुम इन फिल्म स्टारों को जानते हो अरे ये फिल्मी सूरज के लंगोटिया यार है हाँ हम लोग ने बहुत बार साथ में लंगोटी बांधी है लंगोटिया मैंने तो उन्हें सिर्फ पर्दों पर देखा है अब तो करीब से देख लेना ना तू तो दूर हट गुड़ की डली सूरज तुम उनको मुझसे मिलाओगे प्लीज एक बार क्या दस बार मिलाऊंगा और एक एक ऑटोग्राफ हाँ एक ऑटोग्राफ अरे तुम तो उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी ले लेना थैंक यू भाइयों और सहेलियां ए बहने बोल बहने ओके मेरे प्रिय भाइयों और आप सबकी बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार आज कॉलेज के एनुअल फंक्शन डे पे मैं आपके सामने वो महान हस्तियां पेश कर रहा हूं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है तालियां सूरज में अच्छी लग रही हो ना अच्छा मौका है तो जाओ हेलो हमारे काका साहब के लिए तालियां शत्रु भैया के लिए भी तालियां किन्न गिरनार के रजनी बाबू तालियां और अपने बाबा के लिए तो बहुत बहुत तालियां भैया हाय और हमारे अनिल कपूर साहब के लिए एक तो बजाओ एनुअल डे फंक्शन इसे कहते हैं तुम्हारी कॉलेज की तरह नहीं चिरकुट चिरकुट मैं जानता हूं कि आप लोगों ने इन्हें सिर्फ पर्दों पे देखा है दे आर वेरी फ्रेंडली तो आप जो इनसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं मैं मुझे एक पूछने दो प्लीज शत्रु जी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ हाँ पूछिए अरे तालियां बजा दी पहले सवाल तो पूछ ले दो चिरकुट क्या है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ आपकी हर फिल्म मैंने देखी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये नए लड़कों ने टेक ओवर कर लिया है तो आपको कैसा लगता है खामोश अरे ये चूजे हमारी जगह क्या लगे अब अबे केकड़े बचपन का नाम है बचपन का तेरी उम्र के साथ साथ तेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही क्या तेरा वो खलनायक चूजा नजर आ रहा है बाबू मशाय थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ हाँ ये ढीले राजपाट चला गया लेकिन आकर नहीं गई क्या गोंडिया बाबू मशाय
अपनी जुबान को लगाम दे वरना। नहीं तो क्या, मेरे बाप के पास जाएगा क्या? अरे उन्हीं के पास तो जाएगा, उनकी उम्र का जो है। रस्से जल गए मगर पल नहीं गया। कमर झुक गई है दोनों की, लेकिन अकल लगे क्या? अब चुप वरना। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं सूरज? लड़ नहीं रहे, ये एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग। अब चलफो वाले चपड़ गंजो, काका सर मुझसे माफी मांग, चल चल मांग रे वरना। अबे वरना क्या बे, हाँ तू सुलेमान पाशा को धमकी दे रहा है क्या? खामोश। अबे किरकड़े आगे बढ़। खामोश। अबे अबे हुल क्या दे रहा है, हाथ तो लगाना। अबे खामोश। अबे पतले पैर, फूंक मारूंगा ना उड़ जाएगा। अबे खामोश। ए मुच्छड़। अबे ये ढीले। अबे बुढ़े तेरी सुई अटक गई क्या? मैं आया। तूने मुझे ढीला कहा? अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? सलमान के डुप्लीकेट, चल हवा ने देख। ये सलमान खान का डुप्लीकेट था? अबे नहीं तो क्या, ओरिजिनल आएगा क्या? अबे खामोश। अबे पतले पैर। अबे आदमी देख के बोल, वो डुप्लीकेट थोड़ी है, वो ऑर्गेनाइजर है, पैसे लेने उससे। आप जाओ यार, ये सब डुप्लीकेट है, ये मारो। अबे अबे ये सब मैंने तुम्हारे लिए। अरे मैंने इसको हाथ मिलाया है। अरे मैन टेंशन क्यों लेती है? अबे बेवकूफ टेंशन मत ले, कल के नल्ला स्टार नाइट के बाद प्रिंसिपल अब मेरे माँ बाप से मिला चाहता है, और तू बोलता टेंशन मत ले। अरे यार इसमें टेंशन की क्या बात है, अपने पेरेंट्स को बुला लो, आके प्रिंसिपल से मिल लेंगे। अरे यार 2 साल हुए मेरे माँ बाप को मुझसे मिले हुए, वो क्या प्रिंसिपल से खाक मिलने आएंगे? सूरज जरा सोचो अब क्या होगा, बताओ ना। अरे मैं तो सोच चुका हूँ यार, आप तुम लोग सोचो। ठीक है। अरे यार सूरज अगर अपने पास सोचने के लिए दिमाग होता तो अपन 3 साल से एक ही क्लास में थोड़ी होते। इसका मतलब मेरी कॉलेज से डंडी को। करने की जरूरत कैसे की? आपने मेरे मुन्ना को धमकाया है? मुन्ना? आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? कौन है आप? मैं सूरज खन्ना की माँ हूँ। अरे मैं चाहूँ तो इस शहर को रातों रात खरीद सकती हूँ और इस कॉलेज को एक दिन में बेच सकती हूँ। ऐसा मत कीजिए मैडम, कॉलेज बिक जाएगा तो मेरा क्या होगा? कौन है मैं? आ गया मैं। ओह सॉरी सर। सूरज आओ बेटा आओ। सर मैम वो देखो तुम्हें कौन मिलने आया है। कौन? तुम्हारी अम्मा। माँ? माँ। आ माँ की आँख, तुम मेरे मतलब है माँ आप। मुन्ना। माँ। मुन्ना। आओ मुन्ना बैठो, इस प्रिंसिपल ने तुम्हें बहुत सताया है ना? हाँ माँ। ना माँ। ना माँ। तुम्हारी हालत देखकर तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक अलग सा कॉलेज ही बनवा लूँ। हाँ माँ। नहीं नहीं माँ। ये रहा चेकबुक, मैं अपने बेटे की हर गलती की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, है ना मुन्ना? शाबाश मुन्नी, क्या मतलब है मम्मी। आप तो इस तरह हंस क्यों रहे? Why? Do you have a problem? No, I don't have. Good. Because you can't afford to have one. I never had a. Liar. जी. तुमने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है, अब बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? फैसला हो चुका है मैडम। आज से ये कॉलेज आपके बेटे का है, मेरा बस चलता तो पूरा शहर सूरज के नाम कर देता है ना? निकलो। चलिए चलिए मुन्ना। एक मिनट। जाने से पहले आप दोनों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ। कहिए। आप दोनों का प्यार देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। माँ? लीजिए। इसी तरह प्यार करती थी मुझे, इसी तरह मेरी हर गलती खरीद लेती थी, मेरा मतलब सुधार देती थी। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। बस और मत निकालिए, खत्म हो जाएंगे।
माँ मुन्ना प्रिंसिपल को लगा दिया चुन्ना है? माँ माँ अरे आज उसने प्रिंसिपल को क्या शेंडी लगाई, क्या शेंडी लगाई यार। लेकिन सूरज प्रिंसिपल के ऑफिस में हुआ क्या? अरे ये पूछ के क्या नहीं हुआ। अच्छा क्या नहीं हुआ? अरे वो तो मेरी माँ निकली यार। क्या? मेरा मतलब है वो हम सब की माँ निकली टोपी बनाने में। अगर आज वो नहीं होती तो आज ये तुम्हारा कॉलेज का हीरो कॉलेज में नहीं होता। लड़की हसी मतलब फसी। अच्छा मौका है, कह दे अपने दिल की बात। कह दूं? चाहत का कुछ मोल दे अब शर्म का घूंघट खोल दे दिल जाना तुझे प्यार है मुझसे बोल दे मेरी चाहत का कुछ मोल दे अब शर्म का घूंघट खोल दे दिल जाना तेरी याद बड़ी तड़पाए मुझे रात को नींद न आए ओ सुन मेरी सोनिए चले ना तड़पा अब हीरिए आके लग जा गले ये दूरियां नहीं सह सकता के तेरे बिन नहीं रह सकता चल हट पगले चल हट पगले नींद से जगले क्यों है पड़ा मेरे पीछे क्यों ऐसे पकड़े बाहों में जकड़े हाथ पकड़ के खींच पास नहीं आऊंगी दूर चल जाऊंगी फिदा पागल करती है मुझे ये मस्तानी अदा ओ बलिए हामी भर दे तू जल्दी से हाँ कर दे कुछ नहीं जानी कुछ नहीं जानी कुछ नहीं मानी कैसे तुझे समझाऊं सुन दिल जानी अपनी कहानी कैसे तुझे मैं सुनाऊं दिल मेरा डरता है
मुझसे खोल दे मेरी चाहत का कुछ मोल दे अब शर्म का घूंघट खोल दे दिल जाना तेरी याद बड़ी तड़पाए मुझे रात को नींद न आए और सुन मेरी सोनिए छठ जिद करना छठ जिद करना हट से गुजरना ओए मजनू दीवाने दिल नहीं लेना दिल नहीं देना ओए आशिक अनजाने इश्क तू जाने ना भाई क्यों माने ना शर्म मुझे आती है जान घबराती है की नौकरी मैंने बच्चों की खातिर छोड़ी थी मुझे नहीं मालूम था कि गांव में आकर भी ऐलान जंग करना पड़ेगा लगी तो नहीं हाँ? लगी तो नहीं सॉरी अब समय कैसे लग गया एक मिनट इसका इलाज है छक्के ठहर नजरा हाथ दिखा दे चाचा से भारी है आए बापू चूरा चूरा कर दी मेरी कमर क्या हुआ बेटे आए 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 क्यों चिल्ला रहे हो उन दोनों ने मिलके मुझे बहुत मारा बापू उन खेतों पे उनका कब्जा पक्का समझो हाँ और भूल जाओ खेत खलियानों को जूते पहने हुए बिल्कुल चलो गांव छोड़ के चलते चुप देखो बाबूजी अब तो विशाल और ठाकुर दोनों हाथापाई पर भी उतर आए अरे शराफत का जमाना ही नहीं रहा जब से वो इस गांव में आकर फंसे हैं अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे ना अरे अब तो हमारी जमीन भी हमारे हाथ से जा रही है नहीं नहीं बाबूजी बहुत हो गया अब तो पंचायत बिठानी पड़ेगी बापू जरूर बिठाओ पंचायत बिठाओ हम कहाँ जा रहे चाचू पंचायत फुट्टू खचवा क्या चाचू उस गजराज ने फिर कुछ पंगेबाजी की है हमारी जमीन हड़पने की चाचू अगर उसने आज ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं पंचों के सामने उसे मारूंगा और नहीं 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 वहाँ जोश में मत आ जाना पंचायत के कुछ कायदे कानून होते हैं अगर उसने कोई गड़बड़ की तो देख लेंगे सारे को पंचो बात दरअसल ये है कि वो नहर वाली जमीन जो है वो मैंने 15 साल पहले
ठाकुर अजय सिंह के बड़े भाई ठाकुर पीताम्बर सिंह को नकद रुपए देकर खरीदी थी, लेकिन उस पर हमारा हक आज तक नहीं हुआ। वो जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। मैं बाप, सारा गांव जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गजराज, तुम्हारे बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन नौटंकी अच्छी कर लेते हो। क्यों खामखा हमारा और पंचायत का वक्त बर्बाद कर रहे हो? वक्त वक्त का सही फायदा तो आप उठा रहे हैं, जो अपने बड़े भाई के गुजर जाने के बाद पूरी जायदाद पर हक जताने यहां चले आए। ए! बोल दिया, अब मेरी सुन और ये जान ले कि मेरे चाचा हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हैं। इन्होंने हमारी परवरिश की खातिर अपना घर नहीं बसाया, हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, और तू ज्यादा की बात करता है। अरे इनका तो हमारे रोम रोम पे हक है, समझे? समझे बापू। विशाल, विशाल बैठ जा बेटे, बैठ जा। भरी पंचायत के सामने ठाकुर अजय सिंह वादा करता है, अगर गजराज इस जमीन की खरीद के कागजात, कोई गवाह, कोई सबूत पेश कर दे तो आज ही जमीन इसके नाम लिख दूंगा। सारी बातें सुनने के बाद ये पंचायत फैसला ठाकुर साहब के हक में देती है। आइंदा हमारे घर में दरार डालने की ऐसी गंदी हरकत की तो फैसला पंचायत नहीं, मैं करूंगा। बापू धोती कूची कर लो। क्यों? भागने में आसानी होगी। नहीं 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 होगा। अब, अरे पता नहीं कैसे होगा, कब होगा वो पता क्या नहीं है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? चाचू, ये आपसे नहीं, अपने आप से बात कर रहा था। हाँ तो फिर क्या करें, इस घर में बात करने वाली सिर्फ मुस्कान थी, वो भी शहर चली गई। हाँ, अब मैं अकेले में बात करके अपना दिल बहला लेता हूँ। बोल दिया? हाँ बोल दिया। क्या बात है विशाल, मुस्कान की याद आ गई? देखो मैं जमीन के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूं, तुम जाकर मुस्कान से मिलाओ। चलो विशाल, शहर जा रहे हो? हाँ। मुस्कान से मिलने? हाँ। मुस्कान को मेरी तरफ से देखना। ठीक है। क्या होगा मेरा? सूरज, इस मामले में ना तुझसे बड़ा डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा। अरे वो बात नहीं है, पहली बार किसी को फूल दे रहा हूं, रिजेक्ट कर दिया तो? अबे तू बहरा हो गया क्या? तूने सुना नहीं उसने क्या कहा था? क्या? उसकी नाम है ही उसकी हाँ है। हाँ। 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 चलो फिर देखते हैं बात की। चलो चलो। तेरी जुगत। सूरज प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मेरे अरे इसको तो हम लोग ही देख लेंगे।
क्या जाओ मेरे गेंडे चार अला क्या बॉडी है रे स्ट्रॉन्ग है यार ये अबे सारी कॉलेज में मार खा रहा है अरे हम लोग की इज्जत का सोचा होता यार अबे जान रहेंगी तो इज्जत के बारे में सोचूंगा ना उस मुए ने मेरे पीछे से हमला किया ना अरे हम सबको इतना मारी कम से कम दो फटके तो मार के आना ऐसा अरे ऐसा दो मारूंगा इसके 50 के बराबर होएगा भैया जरा सुनिए तो मैं अपनों से बड़ों की अपने बराबर वालों की बात सुनता हूं इसलिए तो कह रहा हूं सर मैं मुस्कान से बोल दिया अगर एक ग्लव्स भी और कहा ना तो मैं तुम्हारी जबान खींचकर गर्दन से लपेट दूंगा सर जी एक्सक्यूज मी जरा मेरी बात तो सुनो तुम मेरी बात सुनो और अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो ना तो लिख लो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था आज के बाद अगर बच्ची से मिलने की कोशिश की ना तो तुम्हारी पिक्चर दी एंड कर दूंगा यार क्या चोर के बट के मार के गया सब हिल गया ये भाई बहन का प्यार भी कितना अजीब होता ना जब सेकंड राउंड में भाई की मार खाने की बारी आई तो मुस्कान उसको उठा के लेके चली गई वरना हम लोग तो बजा डालते हैं भैया हमारी बात तो सुनिए आप कुछ और सुनना बाकी है भैया वो लोग जानते नहीं थे कि आप हमारे भाई हैं और इसकी वजह हम हैं अगर हम उन्हें बता देते कि आप जैसा एक भाई भी है तो गांव की तरह यहां भी कोई हमसे दोस्ती नहीं करता बोल दिया तुम यहां पढ़ने आई थी दोस्ती करने नहीं जिंदगी में पहली बार हमने अच्छे दोस्त बनाए और आपने उनसे भी झगड़ा मोड़ लिया गलत झगड़ा उसने शुरू किया मैंने तो सिर्फ खत्म किया बेचारा सूरज डूब गया चलो चलो भाई जल्दी चलो चलो भाई बस जाने का टाइम हो गया चलो जल्दी चलो भाई चलो आइए साहब मुझे दीजिए बच्ची
तुम्हारा रास्ता इस तरफ है। चलो 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 भाई, जल्दी चलो चलो, जाने दो बस, जाने दो, चलो चलो निकालो। अरे मेरे साले, अपना भी रास्ता उधर ही है जिधर तेरा है। गुड नाइट यू नाउ। उजाला 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 उजाला। ठीक है तू यहाँ क्या कर रही है? इंतजार। और मैं वहां तुझे घर में ढूंढ रहा हूँ। पापा अकेले रहने की आदत डाल दो, कुछ ही दिनों बाद मैं इसी घर में रहने वाली हूँ। देखो जब तक मुस्कान के लिए कोई लड़का नहीं मिलता ना, तब तक तेरी दाल निकलने वाली। और पता नहीं वो लड़का कैसा होगा जो विशाल से पंगा लेगा। बोलू ठाकुर साहब के फार्म हाउस पे तेरा डेली का आना जाना है? अबे ठाकुर साहब के फार्म हाउस पे गया नहीं, तू क्या तेरे बाप की होटल पे जा जा के मैंने एक खाखा के डोले बनाए। What's up, dude? ये भैया ये दूध वाला है, मैं तांगे वाला हूँ। नमस्ते। ओ टांगा खाली? ए, कोई दिखता है? हाँ? नहीं ना? नहीं। तो फिर चढ़ जाओ और एड्रेस बताओ। ठाकुर साहब के घर। ए, बिल्कुल मेरा टांगा खाली नहीं, पीछे पीछे पीछे, बिल्कुल चढ़ना नहीं, खाली नहीं बाबा। क्यों? क्यों? तुम ठाकुर साहब के कुछ लगते हो? नहीं। कोई रिश्ता है? होने वाला हूँ। कहीं तुम्हारा विशाल ठाकुर की बहन के साथ तो? ए भैया तुमको अगर अपने हाथ पांव तुड़वाने का शौक है तो हो, हमको ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कहीं उनको ये पता चल गया कि भोलू ने तुमको उनके फार्म हाउस तक पहुंचाया है तो बाबू तुम तो इस गांव से जाओगे और मैं इस दुनिया से जाऊंगा। बाबू समझा करो। देखो एक बात बताओ, ले नहीं जा रहे हो, रास्ता तो बता दो मुझे। तुमको मैं एकदम शॉर्टकट वाला रास्ता बताता हूँ। वो जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे एक नदी जाती है जो बिल्कुल ठाकुर साहब के फार्म हाउस से होकर गुजरती है। अब तुम डूब के जाओ या तैर के जाओ, हम कल सुबह के अखबार में तुम्हारा अंजाम पढ़ लेंगे भैया। 25 रुपया? 25 रुपए? अरे 10 रुपए उनके घर का पता बताने का और 15 रुपया मलम पट्टी का। बहुत बड़ा जो काम है बाबा, एड्रेस बताना। छुट्टे नहीं मेरे पास। साला दीवाना। Yeah.
शर्माएगी घबराएगी फिर वो मेरे पास आएगी उसे न जाने दूंगा हाय शर्माएगी घबराएगी फिर वो मेरे पास आएगी उसे विशाल को कोई नहीं जानता इसके बावजूद भी तुम उस लड़के से दोस्ती कर बैठी मुझे खुद पता नहीं कि ये सब कैसे हो गया उजाला दोस्ती या प्यार देख मुस्कान भूल जाओ उसे जैसे कि तूने बताया विशाल से इतनी मार खाने के बाद वो भी तुझे भूल गया होगा एक बात बता मुस्कान क्या सूरज का कद करीबन 5 फुट 10 इंच है रंग गोरा है बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन तुम इतना कैसे जानती हो इसलिए कि मैं इसे देख रही हूं क्या भगा मैं विशाल को संभालती हूँ हाय ये क्या पागलपन है सूरज अगर विशाल भैया ने तुझे देख लिया तो अरे मैं उन्हीं से तो मिलने आया हूँ सूरज तुम मेरे भैया को नहीं जानते वो जानने आया हूँ ये क्या विशाल इतनी दूर से आए हो और आते ही काम पे लग गए हट जा वरना मैं तेरे भी दो टुकड़े कर दूंगा सूरज मेरी बात मानो यहाँ से चले जाओ प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुस्कान क्या तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर प्यार किया तो डरना क्या बिग बी बड़े भैया पहले जरा मेरी बात सुन लीजिए मुझे खुद को ताज्जुब हो रहा है कि मुस्कान के लिए यहां तक पहुंच गया मैं जानता हूं कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और इसकी हिफाजत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि मैं मुस्कान के लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा लड़का हूं लेकिन मुस्कान को बहुत खुश रखूंगा क्योंकि मुस्कान से बहुत प्यार करता हूं आप मुझे बस एक मौका दीजिए ओनली वन चांस एक मौका दीजिए ना बोल दिया चलो मेरे साथ समझा रहा साले को कि मुस्कान से प्यार करता हूं प्यार करता हूं प्यार करता हूं लेकिन साले की खोपड़ी बात ही नहीं जा रही समझता नहीं है तू चल तू घर चल ऑफिस
सब कुछ तो इधर पास, सब कुछ इधर पास, फिर सब कुछ है मुस्कान के अलावा। ये रास्ता तो चले जाएगा शहर जहां पर सारे ऐशो आराम है, और ये रास्ता मुस्कान के पास जहां पर वो साला तेरी जिंदगी मुश्किल और परेशानियां भर देगा। यहां पर है बाप की बेशुमार दौलत, और यहां है मुस्कान का सच्चा प्यार। यहां पर वही सड़ी हुई घिसी पिटी जिंदगी, और यहां मंजिल। सो द राइट डिसीजन इज टू गो लेफ्ट और टू गो राइट। मारू क्या? थैंक यू यंग मैन। यू वेलकम सर। इस इलाके में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। परदेसी हूं सर। परदेसी बाबू, हर परदेसी की कोई ना कोई मंजिल तो होती है। मंजिल है पर रास्ता बहुत कठिन है। देखो, अगर कोई मंजिल है तो रास्ता कठिन नहीं होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हमारा हुआ है और असर तुम्हारी सेहत पर हो रहा है। ऐसी बात नहीं सर। तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ऐसे प्यारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। तुमने मुझे हाथ दिया है, इट्स ए ग्रेट जेस्चर। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में मुस्कान नहीं ला सकता? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ सर। कम ऑन यार, चेयर अप। मायूस नहीं होते, मैंने जिंदगी के तजुर्बे से यही सीखा है। Everything is fair in love and war. सर, आपकी बातें सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। Oh, you're welcome. ठीक है, हमारे साथ रहो यार। लेकिन एक शर्त है सर, कि मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रहा हमारा घर। लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है सर? बिजली अक्सर चली जाती है। This is the only problem. तड़का लाल। ओ तड़का लाल। चाचू, मैं यहाँ हूँ। अरे विशाल। जी चाचू। आ गए तुम? हाँ चाचू। बच्ची कैसी है? बच्ची अच्छी है, वो भी साथ आई है। अच्छा, वो भी साथ आई है, that's good. जी चाचू। चाचू, आप इतनी रात गए? मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। चोट तो नहीं लगी ना? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। This boy helped me out. Thank you. विशाल, ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगा, इसके रहने का इंतजाम कर दो। ओके चाचू। Muskaan, how are you, my darling? How are you? Oh, so sweet. ये सूरज है और ये हमारी मुस्कान। आओ अंदर। भैया, तकदीरी से यहां फिर से लाइए, कुछ तो बात होगी। हम आपकी नाराजगी समझ सकते हैं भैया, क्या आपको ये बात चाचू से छुपानी पड़ी है, लेकिन क्या आप हमारी खातिर सूरज को समझने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सकते? वो बुरा लड़का नहीं है भैया, बल्कि वो अच्छा लड़का है, और हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम भी सूरज को बहुत पसंद करते हैं भैया। क्या यही तुम्हारी पसंद है? जी। ठीक है। प्यार, 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 प्यार।
अब क्या होगा उजाला? विशाल भैया सूरज को एस्टेट दिखाने ले गए हैं। ओहो, कहीं सूरज भी बिल्लू की तरह भाग गया तो? पता नहीं विशाल भैया ने सूरज का क्या हाल कर दिया होगा अब तक। परेशान मत हो, तेरा शहरी बाबू अपने स्थान को संभाल लेगा। बड़े भैया बहुत मजा आया, एकदम लेट आया हूँ। थैंक यू बड़े भैया। गुड मैन, गुड, थैंक यू। आज तुम इन लोगों के साथ काम करोगे। ओके। और आज का खाना भी तुम ही बनाओगे। ओके, नो प्रॉब्लम, चाइनीज, चाओ चाओ। ओके, अब तुम जाओ। बनेगा सबसे बेहतरीन खाना। बेटा जरा तड़का लाल को बुलाओ, कहो खाना जल्दी लेके आए, भूख बहुत लगी है। आज तड़का लाल नहीं है, मैंने उसे छुट्टी दे दी। खाना कौन बनाएगा आज? सूरज। सूरज खाना बना लेता वो। हाय, हेलो। तुझे क्या हुआ? आ गया, खाने वाला आ गया। खाओगे मजा पाओगे, चखोगे याद रखोगे, समझे? साहिबान, मेहरबान और शैतान। भाईजान। ओह, दिस इज फॉर यू, डाइट फूड, गाजर, मच्छी की दुमची, गाजर जी, पालक पनीर। कर्नल साहब, आपके लिए चिकन टिक्का। अच्छा है ना? सूरज, खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। गुड, थैंक यू सर। फूड, गुड फूड। तेरी बहन की वजह से बर्दाश्त किया है।
क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, प्यार है, प्यार। प्यार? और तुमसे? विशाल, देखना, एक ना एक दिन। बोल दिया? अब मेरी सुन, और ये ऊटपटांग हरकतें करना बंद कर। अब हम बच्चे नहीं रहे। ये बातें तुम क्यों नहीं समझते कि अब हम बच्चे नहीं रहे? आ! अपनी जवानी पर काबू रख, समझी? मस्त है तेरी जवानी, बड़ी मस्त मस्त है। ये भी
का मौसम काली घटाएं, सोनी पड़ी है उल्बत की राहें, प्यार करने का यही वक्त वक्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। बल्ला 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 के अस्तबल में ठहरा दिया। जी चाचू। क्यों? घर में बच्ची जो रहती है। यार तू भी कभी कभी दादा परदादा बन जाता है। He's a good boy. मैं जानता हूं उसे। ठीक है, तेरी मर्जी। मैं यहाँ पे तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। क्या करते, भैया से छुप कर आना पड़ा। हा? तुम्हारे भैया की तो? ए, हमारे भैया के बारे में कुछ मत कहना। अरे वाह वाह वाह, अपने भैया की इतनी तरफदारी। देखो सूरज, हम अपने भैया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, यूर राइट, बड़े भैया का प्यार प्यार और हमारा प्यार बेकार। बस हाँ सूरज, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। आई सेड नो, यू आर राइट, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सब कुछ छोड़कर आ गए, विजिटिंग टूरिस्ट बन गए टूरिस्ट। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से घर में कितनी टेंशन चल रही है। मेरी वजह से? मेरी वजह से? अरे मेरी वजह से या उस सांड की वजह से? ए, बोल दिया। ये भी मगर इस पर बहुत अच्छा लगता है। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे बचके रहना प्यार में पड़ जाए ना तुझको हटके हो, भैया को तू खटके। अरे हमसे जो उलझेगा वो तो खुद ही उल्टा लटके हो,
के तुम पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके पाना है मैंने सोच लिया चाहे सर कोई पटके मैं भी तेरे संग अरे तुम पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके अरे बड़े भैया मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद मैं यहीं पे सेटल हो जाऊं जिंदा या मुर्दा गांव की गोरीज हाय गर्ल्स हाउ आर यू टुडे कूल यू आर लुकिंग प्रिटी बाय बेब्स बाय ये क्या है क्या है ये क्या हरकत थी हरकत कौन सी ओ बड़े भैया ये लड़कियां मेरे टाइप की नहीं है अच्छा तो फिर तुम्हारा टाइप क्या है उतर 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 रुक रुक साले रुक ए साला तो तू मेरा बनेगा आओ क्या रुक विजय सिंह ठाकुर ये लड़ाई तेरी नहीं है ये लड़ाई हमारी हमारी हर ठाकुर की लड़ाई मेरी लड़ाई है किस किस को मारेगा तू हाँ सिर्फ तुझे तुझे तो मैं देख लूंगा चलो तुझे मैं देख लूंगा विजय सिंह विशाल ठाकुर आओ तुम्हें घर छोड़ देता आइए अंदर आइए
नहीं, फिर कभी। अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। जरा होशियार रहिएगा। क्यों? आप इस शहर में नए हैं और हमारी खातिर आपने लोगों से दुश्मनी मोल ली। अगर मैंने दुश्मनी मोल ली है तो आप जैसा दोस्त भी तो पाया है। वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा, मैं चलता हूं। रात पाली करो। मैंने कहा था ना रातों को खेतों की रखवाली करने। कहा था तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ मेरे बाप, जा रहा हूँ। ये लो लाठी। ये किस लिए? अपनी हिफाजत के लिए। मेरी हिफाजत के लिए? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां रात को शेर भी घूमते हैं। शेर मी लाठी टाइगर शेर शेर। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। क्या बात है मुस्कान, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात है भैया, वो उजाला है ना मेरी उम्र की सहेली, कल उससे मिलने ठाकुर अमर सिंह आ रहे हैं। किस लिए? कर्नल अंकल को उसकी शादी की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि उजाला अब बच्ची नहीं रही, मेरी तरह बड़ी हो गई है। अच्छा, इसलिए वो रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। आप कल आओगे ना भैया? मेरा वहाँ क्या काम? क्या बात कर रहे हैं भैया, उजाला आप ही के लिए तो बड़ी हुई है। क्या? आप ही के साथ बड़ी हुई है, हमारे साथ बड़ी हुई है, हम लड़की वाले हैं ना। लड़की वाली होगी तो? लेकिन भैया देखना तो पड़ेगा कैसा लड़का है, क्या काम करता है, उजाला को खुश रखेगा या नहीं। ओके भैया, अब मुझे कल के लिए बहुत काम करना है, मैं चली। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। एनी टेंशन भैया? ए बोल दिया। आपकी बेटी कितने किलो की है? ये क्या कह रहे ठाकुर साहब, ये हमारी बेटी है, कोई बकरी का बच्चा नहीं। मामा लगते हैं। ए, मामा होगा तेरा बाप। बाप कैसे मामा होगा? विशाल बेटे, ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। अरे ओ फौजी, लुक एट मी, क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम? कौन है ये, कहां से आया, क्यों आया है? सरकार, ये हमारे छोटे ठाकुर है। ओ, तो हमारे मुकाबले में छोटे से ठाकुर? ए फौजी, अब हम कुछ काम की बातें करें। सरकार, आपकी हैसियत के मुताबिक मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ,
मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। इनके खानदान में कभी दहेज लेते नहीं। लेते हैं। कर्नल अंकल, क्या आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या आप अपनी बेटी का हाथ इन चिमगादड़ों को देंगे? भैया क्या कर रहे हैं? अब नहीं बजेगी इस घर में शादी की बीन। जाजा बहुत देखे तेरे जैसे। विशाल बेटे ये क्या कर रहे हो? अगर ये लोग चले गए तो कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? क्या खराबी आपकी बेटी में? बहुत मिलेंगे। भैया आप ही तो हमेशा इसमें खराबी ढूंढते थे। ए, हाथ छोड़। चुपियो। अगर इन्होंने हाथ छोड़ दिया तो क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे? पकड़ोगे? हाँ भैया बोलो ना। अरे बोलो बोलो छोटे से ठाकुर बोलो। अरे ये क्या बोलेंगे, हमारी पर्सनालिटी के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। बोले विशाल क्या जवाब है इनके सवालों का? मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। ए, बोल दिया। बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया। क्या बात है सूरज, बहुत अच्छे प्यार दो बात। थैंक यू सर। सर आप मालूम है कि उजाला का रिश्ता लेकर एक बहुत बड़े ठाकुर आए थे? मालूम है। और विशाल भैया ने मार मार के भगा दिया। ये हमारा विशाल तुम जानते ही हो कैसा है। नहीं सर, इससे एक बात तो जाहिर होती है कि ये विशाल भैया उजाला से बहुत प्यार करते होंगे। हाँ बहुत प्यार करता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कर्नल साहब से बात करके विशाल और उजाला दोनों की शादी करा देनी चाहिए? पर कोई फायदा नहीं सूरज, मैं जानता हूँ विशाल तब तक शादी नहीं करेगा जब तक मुस्कान के लिए लड़का नहीं देख लेता। इसका मतलब है सर कि मुस्कान के लड़का आप नहीं विशाल भैया देखेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ वो दोनों मुझे कभी ना नहीं करेंगे, पर ये हक मैंने विशाल को ही दे रखा है। क्या बात है सूरज? कुछ नहीं सर, गर्दन में थोड़ी तकलीफ है। अल्लाह नहीं सर। अरे ला मैं ठीक कर देता हूँ सर, थोड़ी सर प्लीज। कमाल है। इधर आ। अरे यार जोक सुना। एक बार ऐसा हुआ कि जब भैया ये सब कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं इम्तिहान है। ये क्या पागल बने विशाल, इस जंगली घोड़े को कभी तुम भी काबू नहीं कर पाए और ये तो फिर भी बेचारा। जंगली? हा जंगली नहीं होता, ज्यादा जंगली होता है। ग्रामीण तो ठीक थथलाया करो यार। सड़ील घोड़े पे किसने बिठा दिया? शरारत तो नहीं? नहीं चाचू, वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा घुड़सवार समझता है। अरे ए सूरज, आर यू ऑलराइट? या ही इज अ स्ट्रांग बॉय। अबे साले जंगली, एड़े चाले की हरकतें क्यों कर रहा मेरे साथ? मुझे मालूम है तेरा टाका उस घोड़ी के साथ फिट हुआ है।
अबे सान ने जो तेरे लिए इतने सालों में नहीं किया है ना, वो मैं तेरे लिए 5 मिनट में कर दूंगा, 5 मिनट में, आज रात को लाइट कूल होने के बाद। क्या बात कर रहा है? अपनी भी सेटिंग है यार, चढ़ने दे मेरे को प्लीज मेरी जान। क्या इज्जत का सवाल है यार, ये घोड़े के कान में क्या खुसुर फुसुर कर रहा है? हाँ बोलता क्या, हाँ बोलता क्या, हाँ, अरे वाह वेरी गुड। क्या बात है सूरज, इस घोड़े को तो हम भी काबू नहीं कर पाए। थैंक यू सर। सर प्यार में बहुत ताकत होती है सर। हाँ प्यार में ताकत बहुत होती है। ठीक है, आज से ये घोड़ा तुम्हारा। थैंक यू सर। जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले, जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले। मैंने भी ये तय किया है, आएगी तेरी डोली मेरे ही अंगना। ओढ़ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या।
कहती हैं सौ सौ बातें, जाने कैसा जादू है, मेरा दिल बेकाबू है। रब से जब मांगा बस तुझे मांगा, रब से जब मांगा बस तुझे मांगा। प्यार की बिंदिया चमका दे तू, मुझको कंगन पहना दे तू, कर दे शगुन सजना ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की, चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या प्यार, किया तो करना क्या। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। विजय सिंह, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे विशाल की मदद की है तुमने, आते रहा करो। जी ठाकुर साहब, एक बार जमीन का मसला हल हो जाए बस। जमीन का मसला? देखो, हमारी इस इलाके में काफी जान पहचान है, हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। अच्छा विशाल, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ, खुश रहो। चाचू, मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ छोड़ो। He's a good boy. चाचू, मुस्कान के लिए कैसा है? क्या ये तुम कह रहे हो? जी चाचू। तुम्हें कैसा लगा? चाचू, मुझे लड़का पसंद है। ठीक है, फिर उसके माँ बाप से बात कर लेते हैं। पर कमाल हो गया यार, आज तूने मुस्कान के लिए लड़का पसंद किया। क्या बात है। सूरज, विशाल का दिल जीतने के लिए न जाने मैंने क्या क्या किया, पर आज उसने तुम्हारे लिए किसी और को पसंद किया है। कोलैबोरेशन में काम करती है तो हम आपकी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे सूरज के साथ तय करते हैं।
सौदा घाटे का नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, जरा सोच लीजिए। कौन बोल रहे हैं? हेलो सूरज, बोलो, डैडी को देना फोन। एक मिनट सर। सब हेलो। हेलो डैडी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ सूरज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे आपकी जरूरत है। क्यों, पैसे खत्म हो गए क्या? बोलो तो भेजूं। नहीं, मुझे पैसों की नहीं, आपकी जरूरत है। क्या बात है सूरज, सब ठीक तो है? हेलो सूरज। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं, तुम बाद में फोन करना। हेलो हेलो, आप क्या हुआ? कट गया। कट गया, ये लो इसे अंदर लेकर जाओ। अरे क्या कर रहे साहब, मेरे झूठ पूछ क्यों तोड़ रहे हो? अरे अरे साहब साहब, अरे बड़ा भाई होने के नाते मैं ये समझता था कि बच्ची के बारे में हर फैसला करने का हक मुझे है, मेरे हर फैसले से वो खुश होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं समझा नहीं। विजय, मैं घुमा फिरा के बातें करना नहीं चाहता, बच्ची के मामले में मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं समझता हूँ ईशा, मुस्कान की जिंदगी का सवाल है, अगर थोड़ा वक्त लग भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे फैसले से खुश होनी चाहिए। थैंक यू विजय, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे भांजे, क्या प्लानिंग किया है तुम्हारे लिए। वाह बापू, मजा आ गया, पहले जल फिर जोरू फिर जमीन। तुझे क्या हुआ बे? बापू धोती ऊंची कर ले। विजय, मुझे तुम पर नहीं अपने आप पर ताज्जुब हो रहा है कि मैंने आज भी पहचाने में इतनी भूल कैसे कर दी। अब तो तुम जान गए होगे कि हम अपने मंजिल पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हाँ, मुस्कान के बारे में सोचकर तो तुमने सारी हद पहले ही पार कर दी। विशाल ठाकुर, ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा, तो फिर मैं भी तैयार हूं। ओए बेटे, तुमने ये क्या कर लिया, या तो तुमने जंग छेड़ ली? भैया तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये मारते ज्यादा है और गिनते कम है। शायद मैं लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं इनकी कमजोरी जान चुका हूं।
पर बहुत भरोसा था मुझे। तुमने ये बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ा दुख दिया है मुझे, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हमें माफ कर दीजिए चाचू, हमने आपका दिल दुखाया है। लेकिन आप ही बताइए चाचू, कि हम करते भी तो क्या करते? चाचू, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिए। सूरज, सूरज, आप लोग कहां से हैं? मैं आकाश खन्ना हूं, सूरज का पिता। मेरे मम्मी डैडी सर। सूरज, हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा बेटा, तेरे दोस्तों ने हमें सब कुछ बता दिया है। घर तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई? What do you mean कि इतने दिनों के बाद तेरी याद कैसे आ गई? तू तो हमेशा मेरे बेटा, हमने तेरा रिश्ता हिंदुस्तान के सबसे बड़े खानदान में तय किया है। जरूर कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील हुई होगी। होश में आओ सूरज। डैड, ताज्जुब की बात तो यह है कि बेहोशी का आलम यहीं पर आकर टूटा है। टूट तो हम लोग जाएंगे, अगर देखो सूरज, इस खानदान के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। कहां हम और कहां ये लोग? मिसेस खन्ना। सूरज, तुम ये भूल गए कि ये तुम्हारी मां है। नहीं डैड, ये मां तो सिर्फ रिश्ते में लगती है, और ये जिन लोगों के बारे में बात कर रही है ना, वो आपकी तरह दौलतमंद तो नहीं, पर इनसे बहुत ज्यादा इज्जतदार है। इज्जतदार? माय फुट, क्या मैं इज्जतदार खानदान की उस लड़की से मिल सकती हूँ जिसकी वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ है? Where is that bitch? Hey! इसे तो हमने रोक दिया मैडम, लेकिन अब हमारी मुस्कान की शान में एक लफ्ज ही आपकी जुबान पर आया तो हमें कोई नहीं रोक सकेगा। अपने बेटे सूरज को लेने आए हैं, जिसे आप लोगों ने अपनी बेटी के झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है। हमारी बर्दाश्त को हमारी कमजोरी मत समझना खन्ना साहब। अब बेहतरी इसी में है कि यहाँ से फौरन चले जाएं। ठाकुर अंकल, ठाकुर अंकल, विजय सिंह मुस्कान को जबरदस्ती उठा के ले गया। नहीं सूरज, तू कहीं नहीं जाएगा। पापा, मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अब तुझे खोना नहीं चाहता। फिर आप मेरे पुराने पापा बन जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसे जाना है तो जाने दीजिए। सूरज, बेटा तुझे हमेशा शिकायत रहती थी ना कि मैं हर काम अधूरा करता हूं, आज काम पूरा करूंगा। Yeah.
मैंने कहा था ना तुमसे, अब कोई गंदी हरकत तुमने की तो फैसला पंचायत नहीं, मैं करूंगा। अरे बाबू चल, देखो ट्रैक्टर, देखो ट्रैक्टर चला रहा था। अरे आता है बाप। जान यही है ना सबकी कमजोरी, बेटा सोच रहा है तू? तू फिक्र मत कर बेटे, मैं जान से बिठाऊंगा, जरूर बिठाना, पर जेल में। Yeah.
ली चुनरिया, तूने मेरे नाम की ओढ़ ली चुनरिया, तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या।